अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एसी इंजीनियर अल्फाज। आप लोग देख रहे हो अल्फाज अर्बन। आज एक काम पे आया हूँ, यूसी का काम है। कस्टमर ने बुक किया पावर ऑन इशू। आगे देख रहा हूँ कि ओल्टास एसी में इन्वर्टर एसी है, सीएल कोड दे रहा। तो सीएल जो कोड है वो तो नॉर्मली क्लीनिंग का कोड है। आज मैं समझाऊँगा आप लोगों को, ओल्टास एसी में चाहे कौन सा भी मॉडल हो, अगर सीएल कोड आ रहा तो उस कोड को कैसे हटाएंगे। सीएल जो कोड है एसी को क्लीनिंग करने के लिए कस्टमर को इंडिकेट करता है। 350 से 400 घंटा चलने के बाद एसी ऑटोमेटिकली सीएल कोड दे देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं काम को स्टार्ट करता हूँ। काम को स्टार्ट करने का पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही मैं बहुत सारा टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ तो आपके पास पहले पहुँचेगा। तो चलिए काम को शुरू कर दें। तो अभी मैं एसी को चालू कर लेता हूँ मेन स्विच से, और देखिए चालू करने के बाद देखिए डिस्प्ले में आ रहा सीएल। देखिए थोड़ा लाइट का इशू है तो ठीक से दिख नहीं रहा। हाँ ये देखिए सीएल दिख रहा। तो थोड़ा टाइम बाद जो टेम्परेचर है वो डिस्प्ले में शो होगी। अगर आपका एसी में सीएल कोड आ रहा तो इसके वजह से मशीन में कोई कूलिंग का इफेक्ट नहीं होगी। ये कोड सिर्फ आपको मैसेज दे रहा कि आपका मशीन में सर्विस का टाइम हो गया, सर्विस जल्द से जल्द करवा लीजिए। सबसे पहले आपको एसी को ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद फिल्टर को निकालना होगा। ये मॉडल में फिल्टर देखिए ऊपर का साइड में रहती है। ओल्टास एसी का दूसरा मॉडल में फिल्टर सामने की साइड में होती है, तो फ्रंट लिड खोलने के बाद ही फिल्टर को दिख जाता है। तो अभी वो फिल्टर को आपको निकाल के क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद वापस वैसा ही फिट करना होगा। ठीक है, तो अभी को एसी को दोबारा ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद देखिए सीएल लिखा आ रहा, और मोड आपका कूल मोड पे होना चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए उधर जो स्लीपर बटन है, स्लीप बटन, वो स्लीप बटन को 4 बार प्रेस करना होगा। कंटिन्यू 4 बार प्रेस करने के बाद देखिए जो आपका सीएल लिखा है देखिए वो हट गया। ये देखिए देखिए और सीएल लिखा देखिए और नहीं आ रहा। यही प्रोसेस है ओल्टास एसी का जो सीएल बटन को हटाने का। देखिए फिर से मैं एक बार ऑफ करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑफ करने के बाद फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए अभी सीएल लिखा नहीं आ रहा। देखिए देखिए हट गया सीएल, दिख रहा। वीडियो ठीक ठाक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जजाक अल्लाह खैर।